तो मेरे प्यारे मित्रों, आज हमारी सीरीज खाओ और जलाओ का सेकंड अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो आज हमारे स्पेशल डिश है वड़ा पाव। मुझे मालूम है बहुत लोग उसको बहुत ज़्यादा मिस करते होंगे। और ये जो वड़ा पाव है ना, वो सादा सुधा वड़ा पाव नहीं है, ये दोरी त्रास दे रही है मेरे को, रुक जाओ। सादा सुधा वड़ा पाव नहीं है ये वड़ा पाव, हमारे इधर का फेमस गार्डन वड़ा पाव है, गार्डन वड़ा पाव। आप जरा आओ इधर, दिखाओ इन लोगों को, आओ आओ आओ, दिखाओ ये कैसा होता है। ये है वड़ा, ये है पाव, ये है चूरा। हम इसको खाने के लिए पहले हम ये खोलेंगे, उसके अंदर एक वड़ा है, और हाँ मेन चीज़ तो भूल गया, चटनी भी दी है। तो हम चटनी को ऐसे ही खोलते हैं ना। ये पाव लेंगे, इसके ऊपर थोड़ी सी ऐसी चटनी डालेंगे, बहुत टेस्टी लगती है वो। अरे अरे, बहुत बहुत गिर गई, बहुत गिर गई, ठीक है। फिर ये वड़ा लेंगे, ये वड़ा इसके ऊपर रख देंगे, ऐसा ढक देंगे, तो फिर ये ऐसा बहुत बढ़िया तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो बहुत बढ़िया है ये, और कुछ नहीं, सिंपल मेडिम्पल खाने का। बस ऐसा आस्वाद लो, ये चूरा दिया है, चूरा भी खाओ। कुछ नहीं, मेरे दो है, इसके दो वड़ा पाव है, खाने के बाद आगे का बोलते हैं। बाय। A few moments later. और ऐसा वड़ा पाव खाते वक्त आपको अगर ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास प्लेट तो नहीं है, तो फिर ये जो चटनी है हम ऐसा कागज़ पे निकाल लेंगे। देखो ये ऐसा कागज़ पे निकाल दिया, अरे ऐसा कर रहे थोड़ा। फिर ये वड़ा पाव है, ये ऐसा उसमें डुबोने का, और फिर खाने का। बहुत टेस्टी है, गर्म है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप सिर्फ देख के जलो। अभी मैं खाता है फिर बोलता है, क्या? और ये आखिरी घास मैंने खाया, पूरे दो वड़ा पाव मैंने गचक लिए, बहुत गंदे तरीके से खाए। अब ये हुआ है ऐसा, चटनी बहुत सारी उड़ी है, तो हम चटनी ऐसे फेंक तो नहीं सकते बाहर, कौवा भी हुआ खाएगा तो उसका तिकट विकट लगेगा, पानी तो नहीं मिलेगा। तो हम ये ऐसा कागज़ लेते हैं, उरली हुई चटनी इसमें डाल देते हैं, कागज़ भी यही फेंका हुआ डाल देते, इधर भी मैंने एक डाला था, ये उड़ गया था हवा से, इसमें डाल देते, पूरा पैक करके एक कागज़ बना देते हैं इसका। और कुछ नहीं, ये देखो ये निकल गया, और कुछ नहीं, घर जाके ये कागज़ डाल देंगे। स्वच्छ भारत अभियान चालू है, आप भी सपोर्ट करो, हम भी सपोर्ट करते हैं। चलो अगले वीडियो के लिए मैं खाना देखने जाता हूँ, और ऐसी कौन सी डिश है जिससे आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी वो मैं ढूंढता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।